हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज मधुलिका। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि मैं माय सेल्फ के ऊपर कुछ लाऊंगी, एक वीडियो लेके आऊंगी, तो मैं आज वही लेके आई हूँ। तो केजी क्लास में इंट्रोड्यूस करा दिया जाता है माय सेल्फ, मतलब सेल्फ इंट्रोडक्शन देना, अपने बारे में कुछ बताइए। उसमें शायद 5 लाइन्स आ जाती हैं और फर्स्ट क्लास में ये बढ़ के कुछ और लाइन्स हो जाती हैं, 6, 7 या 10 लाइन्स हो जाती हैं जो बच्चा अपने बारे में बताता है। अब इसको हम रटे नहीं हैं, अगर रटना है तो ठीक है, लेकिन हम मैं इसे पहले रटाना नहीं चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि अगर जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, पॉइंट्स मैंने लिख लिए हैं, बाद में बताऊँगी आपको, लेकिन सपोज मान के चलिए कोई गेस्ट आते हैं घर में या हम कहीं पे जाते हैं, तो बच्चे से सबसे पहली चीज़ क्या पूछता है, आपका नाम क्या है बेटा, व्हाट इज़ योर नेम, पहला क्वेश्चन ये आता है। फिर कितने साल के हो, हाउ ओल्ड आर यू, ये ऐसे करके क्वेश्चन आते हैं ना। अच्छा ठीक है, कौन से स्कूल में पढ़ते हो, कौन सी क्लास में पढ़ते हो, ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना। तो उसको अपने इंट्रोडक्शन को हमने क्वेश्चन ना लेके सिर्फ आंसर्स दे दिए, हमने अपने बारे में A to Z बता दिया जो छोटी क्लास के बच्चे बताते हैं। ऐसे अगर हम लेके चले इसको तो बहुत ईजी हो जाएगा। तो पहला सेंटेंस क्या होगा, माई नेम इज पूरा नाम बताएंगे अपना जो भी होगा, माई नेम इज मधुलिका खरे, आई एम अ बॉय और गर्ल, आई एम 6 years old, जितने साल का भी होगा, द नेम ऑफ माई स्कूल इज ABC, जो भी नाम होगा उसके स्कूल का। फिर क्या आ जाता है, अब अगर इसके आगे पूछेंगे, बच्चों को बड़ा शौक होता है कि माई क्लास टीचर्स नेम इज दिस, मेरी क्लास टीचर का ये नाम है, आई लव माई स्कूल, बच्चा कुछ भी बोल सकता है आगे। बच्चा ये बताता है ना कि वो कौन सी क्लास में है, आप कौन सी क्लास में हो, तो आई स्टडी इन क्लास UKG 1, 2 या फिर फर्स्ट 1A, B, C, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो मेन पॉइंट है वो क्या होंगे, बच्चा आगे भी बोल सकता है माई बर्थडे इज ऑन -, जितने भी जिस भी दिन होगा उसका। फिर आता है माई फादर्स नेम इज, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है बेटा आपके पापा का नाम क्या है, वो बच्चे को पता भी होना चाहिए। अगर बाय चांस कहीं पे बच्चा इधर उधर हो जाता है तो उसको ये सारी चीज़ें वैसे भी आनी चाहिए ताकि वो अपने बारे में बता सके लोगों को कि उसका नाम क्या है, वो कहाँ रहता है, वो उसके पापा का नाम क्या है। यहाँ पे हम एक चीज़ और ऐड कर सकते हैं, आई लिव इन, कहाँ रहता है, ओके। फिर माई फादर्स नेम इज ABC, जो भी नाम है। फिर माई मदर्स नेम इज, जो भी आपकी मदर का नेम है। इसमें अब और ऐड अगर करना चाहते हैं तो इसमें और ऐड कर सकते हैं कि माय फादर इज अ प्रोफेसर और डॉक्टर, जो भी उनका प्रोफेशन होगा। माय मदर इज अ होममेकर और लेक्चरर और टीचर, कुछ भी हो सकता है आगे अगर आप इसको बढ़ाना चाहते हैं तो बड़ी क्लास में आके। फिर और क्या हो सकता है, लास्ट होगा माय कॉन्टेक्ट नंबर इज, क्या माय फोन नंबर इज, उसका फोन नंबर जो पापा का फोन नंबर होगा या मम्मी का फोन नंबर जो होगा जो आप याद कराना चाहते हैं वो इसमें आ जाएगा। तो इससे हमारा ये भी बहुत बड़ा फायदा होता है कि जब कोई पूछता है तो हम बता पाते हैं। दूसरा, इन केस कहीं बच्चा अपनी ही कॉलोनी में कहीं मिसप्लेस हो जाता है, इधर उधर हो जाता है हल्का सा, और वो थोड़ा सा नर्वस हो जाता है कि मैं कहाँ जाऊँ, किससे क्या बोलूँ, मुझे कहाँ पहुँचना है, तो अगर उसे हमने ये सब चीज़ें बताई भी होंगी ना तो वो बहुत ईजिली घर तक पहुँच जाएगा। तो आई होप ये पॉइंट्स और माई सेल्फ के ऊपर कुछ लाइन्स, ये लाइन्स हैं, ये आप लोगों को हेल्पफुल रही होंगी, आप लोगों को पसंद आई होंगी, और सारे स्कूल्स में ये चीज़ें रहती हैं, बस हमें बताने का तरीका उसको चेंज करना है। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रही होगी, अगर रही तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी और वीडियो के लिए, और अगर लगता है किसी के काम आ सकती है वीडियो तो प्लीज़ फॉरवर्ड कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई चीज़ के साथ, तब तक के लिए डू टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, बाय।